चलो ये क्वेश्चन भी देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रखा है फॉर एन एलटीआई सिस्टम द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स इज गिवन। ये आपको ना यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स दे रखा है गिवन एज 1, 2, 1। ये दिया यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, ठीक है। आपको सब कुछ समझना है, कैलकुलेट द आउटपुट फॉर इनपुट। इनपुट देखो क्या मेंशन कर रखा है यहां पे, 1, 2, 3 निकालो फटाफट, गलत मत करना, ठीक है। फिर कैस्केड और पैरेलल कनेक्शन देखते हैं इसके बाद, आंसर निकालो, आंसर गलत मत करना। बिल्कुल सही बात है, ग्राफिकल मेथड को ही थोड़ा सा हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया। चलो देखो आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। सबसे पहले अगर किसी को तरीका समझ में आ रहा हो तो तरीका मुझे बता दो, फिर हम लोग इसको सॉल्व करना भी शुरू करते हैं, ठीक है। तो फूरियर सीरीज में बहुत मज़ा आने वाला है, फूरियर सीरीज में हम लोग बहुत सारी टेक्निक सीखेंगे, और फूरियर सीरीज जब खत्म हो जाएगा तब आप देखोगे कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए पेन तो यार उठाना ही नहीं पड़ रहा है, और वो भी फूरियर सीरीज जैसे टॉपिक्स में। तो असल में जो आपका सिग्नल स्टार्ट होता है ना, वो फूरियर सीरीज से ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा बनना स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके पहले ना आप टूल्स डेवलप कर रहे हो, आप बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप कर रहे हो जिसकी मदद से आगे आने वाले चैप्टर्स आप पढ़ पाओ। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, एटलीस्ट सभी ने एक ऑनेस्ट ट्राई दे दिया होगा, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में अगर आप देखो तो डेटा किसका किसका दे रखा है, क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करें तो डेटा आपका दे रखा है एस ऑफ एन का डेटा कितना दे रखा है, 1, 2, 1। ये आपको मिल जाएगा एरो यहाँ, ठीक है, ये मिल गया आपको एस ऑफ एन। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि एक इनपुट दे रखा है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है। एक्सएन अगर आप देखो तो आपको मेंशन कर रखा था 1, 2, 3। आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे एरो कहाँ पे लगाते हैं, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो फर्स्ट एलिमेंट को ऑब्वियसली हम लोग एरो लगा सकते हैं, करेक्ट। इतनी कंडीशन तो क्वेश्चन में दे रखी है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है सिस्टम एक एलटीआई दे रखा है, उसका एक इनपुट आपको मेंशन कर रखा है, और आप उसका आउटपुट कैलकुलेट करके बताइए। देखिए ज़रा ये मेंशन कर रखा है आपको एक्स ऑफ एन, ये है एलटीआई सिस्टम, और एलटीआई सिस्टम को उसने एसएन मेंशन कर रखा है, और आपसे पूछ रखा है आउटपुट बताओ। आउटपुट तो आपको पता ही क्या होता है हमेशा, एक्स एन कॉन्वोल्यूशन एच एन, यानी कि वाई एन को आप क्या लिख सकते थे, वाई एन को आप लिख सकते थे एक्स एन कॉन्वोल्यूशन एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस, बस इतना सा आपको करना। अब एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन कैलकुलेट कर लो, एस एन आपको दे रखा था क्वेश्चन में 1, 2, 1, यहाँ पे लगा दिया एरो। जैसे ही आप यहाँ पे एस ऑफ एन माइनस वन करोगे, आप मुझे बता सकते हो ये एरो किधर शिफ्ट हो जाएगा, ग्राफ तो राइट शिफ्ट होगा, बट एरो के बारे में मैंने आपको बताया था कि एरो हमेशा उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जो यहाँ पे आपको साइन दिखता है, तो एरो को आपने एक यूनिट पीछे शिफ्ट कर लिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना शुरू करो, सब्ट्रैक्ट करने के लिए एन इक्वल टू जीरो का एलिमेंट 1 का माइनस 1 का, या एन इक्वल टू जीरो का एलिमेंट 1 का 2 का। सब्ट्रैक्शन के दौरान अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको सिखाया था कि जो जीरो पे एलिमेंट होता है वो जीरो वाले एलिमेंट से जुड़ता है या घटता है, 1 वाला एलिमेंट 1 से जुड़ता है या घटता है, 2 वाला 2 से, माइनस 1 वाला माइनस 1 से। आइए इनको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं इसको वापस से ऐसा लिख देता हूँ 1, 2, 1, 0, ठीक है, ताकि एरो के नीचे जस्ट मुझे एरो दिख जाए 0, 1, 2, 3, ठीक है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट भी कर पा रहे होंगे सब्ट्रैक्ट, जो लोग डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं वो क्या करो, इस पर्टिकुलर सिग्नल में जीरो की स्टफिंग करके, जीरो की पैडिंग करके आप दोनों एरोज़ को साइड बाय साइड लेके आओ, या दोनों एरोज़ को एक के नीचे एक लेके आ जाओ। तो जब आप एक एरो को दूसरे के नीचे लेके आ रहे हो तो आप दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एच एन यहाँ से कितना मिल जाएगा बताइए, सब्ट्रैक्शन आपको मिल जाएगा इसमें से, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1, 1, -1, -3,
देखिए कितने लोगों ने एच एन कैलकुलेट कर लिया है वो बताओ मुझे, एच एन कितने लोगों ने कैलकुलेट कर लिया? थैंक यू सो मच है। 1 1 -1 3 -1 -3 आ जाएगा ना, जीरो में से सबट्रैक्ट करोगे तो। चलो अब उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन किसकी करनी है, अगर यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है कॉन्वोल्यूशन की, तो उसमें क्या सोचना है? इनपुट क्या दे रखा था? अरे ये मैंने 3 क्यों लिख दिया, ये 1 करो ना, इसको 1 कर लो यार। ठीक है, और एरो भी लगा लो ना यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब एक बार चेक कर लो दोबारा, असल में ये 1 to 1 था ना, तो जब एरो शिफ्ट करोगे तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया था, इसको 1 होना चाहिए ना, 1 to 1 ही रहेगा। फिर मैंने एरो को एक के नीचे एक लाने के लिए 0 की पैडिंग, 0 की स्टफिंग कर ली, और ये आपको यहाँ पे सिग्नल दिखना चाहिए। चलो देखते हैं यहाँ पे, अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे आपका एक्स ऑफ एन कितना था, ये था आपका 1 to 3। एच ऑफ एन आपका कितना था, ये था आपका 1 1 -1 -1। ये था आपका, यहाँ पे हमने डाल दिया एरो। बस अब इन एलिमेंट्स को यहाँ पे डालते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये मिल गया 1 1 -1 -1, मल्टीप्लाई करो इनको तो आपको मिल जाएगा 1 2 3। ये भी 1 2 3, ये -1 -2 -3, दिस इज ऑल्सो -1 -2 -3 ना। पार्टीशन वगैरह करो, काम ख़त्म करो। देखिए तो यहाँ से आपको जो वाई एन मिल जाना चाहिए था, ये आना चाहिए था 1 3 4 0 -5 -3। चेक कर लो, एरो देखो कहाँ पे लग जाएगा। एरो के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये है एन इक्वल टू 0 1 2, ये है एन इक्वल टू 0 1 2 -1। दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा एन इक्वल टू -1, यानी एरो 3 पे लग जाना चाहिए। ओके, देख लीजिए, तो ये आपका फाइनल आंसर आपको मिलना चाहिए था, 1 3 4 0 -5 3, और एरो की भी आपको पोजीशन करेक्टली प्लेस करनी आनी चाहिए थी। ठीक है, तो कर पा रहे हो ना सभी लोग इस तरीके के क्वेश्चंस? तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप नोटिस कर पा रहोगे तो थोड़ा सा बस डेटा उसने इंडायरेक्ट करके आपको दे रखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप आउटपुट अब दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो क्वेश्चन में यूनिट इंपल्स रिस्पांस का डेटा दे रखा हो, या तो क्वेश्चन में यूनिट स्टेप रिस्पांस का डेटा दे रखा हो। दोनों ही डेटा से इवेंचुअली हम एच टी एच एन तो निकाल ही लेंगे, और अगर एच टी और एच एन निकाल दिया तो जाहिर सी बात आउटपुट भी कैलकुलेट कर ही लेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं कैस्केड कनेक्शन। कैस्केड ऐसा लिखते हैं, LTI सिस्टम्स इन कैस्केड। ठीक है, चलो देखते हैं LTI सिस्टम्स इन कैस्केड का मतलब क्या होता है, और जाने अनजाने में ये चीज़ आप एक दो बार देख भी चुके हो, जस्ट उसी को मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। एक से ज़्यादा सिस्टम्स भी आप ले सकते हो। देखिए सपोज यहाँ पे मैंने एक इनपुट लिया एक्स टी, ये मैंने लिया H1T H2T और ये वाई टी। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि कैस्केड कनेक्शन का मतलब क्या होता है। कैस्केड कनेक्शन का मतलब होता है कि एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम करना चाहिए, बट ये दोनों सिस्टम्स आपस में नॉन इंटरैक्टिव होने चाहिए, या लोडिंग इफेक्ट यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सिस्टम इसके लिए लोड का काम कर रहा है, या आप इफेक्टिवली ऐसा मान सकते हो कि यहाँ की करंट यहाँ पे पहुँच जा रही है, उस केस में आप कभी भी सिस्टम्स को कैस्केड कनेक्शन नहीं मान सकते। सिस्टम को कैस्केड कनेक्शन मानने के लिए आपको मानना पड़ेगा ये दोनों सिस्टम्स आपस में कैसे हैं, नॉन इंटरैक्टिव इन नेचर है, या लोडिंग इफेक्ट एक दूसरे पे क्रिएट नहीं कर रहे। तो यहाँ से देखो, अगर आप आउटपुट लिखना चाहते हो
तो सबसे पहले तो आप यहाँ बीच में आउटपुट लिखोगे एक्स टी कॉन्वोल्यूशन एच वन टी, और आउटपुट लिखने के लिए आप यूज़ करोगे एक्स टी कॉन्वोल्यूशन एच वन टी, तो इसका इनपुट था। आउटपुट लिखने के लिए आप एक कॉन्वोल्यूशन और लगा दो, ऐसे ही तो करोगे आप। यस, अब देखो ये जो आपने वाई टी लिखा ना, इसको अगर आप थोड़ा सूझबूझ से लिखते तो वाई टी को ऐसा भी तो लिखा जा सकता था एक्स टी कॉन्वोल्यूशन एच वन टी कॉन्वोल्यूशन एच टू टी, ऐसा भी लिखने में कोई दिक्कत तो है नहीं। ओके, तो आप इवेंचुअली क्या कर सकते हो कि जब भी दो सिस्टम्स आपको कैस्केड में दिखें, नॉन इंटरैक्टिव सिस्टम्स इन कैस्केड, आप इन दोनों सिस्टम्स को ना एक सिंगल सिस्टम से रिप्रेजेंट करा सकते हो, और उस सिस्टम का यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स कितना हो जाएगा, दोनों के इंडिविजुअल कॉन्वोल्यूशन के बराबर। तीन होते तो तीनों के इंडिविजुअल कॉन्वोल्यूशन के बराबर, एंड सो। तो आगे से आपको कोई भी दो सिस्टम्स कैस्केड में दिखते हैं तो आप उनको सिंपली किस में कर दो, एक सिंगल सिस्टम में कन्वर्ट कर दो। ये था सिस्टम वन, ये था सिस्टम टू, और इसको आपने एक सिंगल सिस्टम से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि अगर आपके पास एक सिस्टम मेंशन कर रखा था, दो कर रखा था, आप इन दोनों को हटा के एक सिंगल सिस्टम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तीसरा, चौथा, पांचवा होता, पांचों को आप कन्वॉल्व कर सकते थे। ठीक है, हाँ बता देंगे, वो मेथड्स भी बताएंगे। ठीक है, उसके लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन असल में आना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आपको कॉन्वोल्यूशन में फूरियर सीरीज में सिखाने ही वाला हूँ, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन के फूरियर सीरीज तो पढ़ नहीं पाओगे। उसके बाद जब फूरियर ट्रांसफॉर्म वाले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में जब कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करेंगे तो दोनों मेथड्स वहीं पे मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, चलो अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप मुझे सोच समझ के बताना। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछता हूँ, इसको मैं करवाऊंगा ये सारे केसेस, तो चिंता मत करना। बट मैं अभी आपका जस्ट ऐसे कॉमन सेंस से आपका नॉलेज टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ज़रा, देखो ये है सिस्टम एच वन टी, ये है सिस्टम एच टू टी, ये है सिस्टम एच थ्री टी। ठीक है, तीन सिस्टम्स लगा रखे। ठीक है, देखो देखिएगा सभी लोग ध्यान से, ये तीन सिस्टम्स मैंने लगा रखे हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, एक क्वेश्चन आप सुनिए और उसका आंसर बताने की कोशिश करिए। आप मुझे बताइए, बाय द वे अगर ये सिस्टम आपका नॉन कॉजल सिस्टम, बाय द वे ये सिस्टम अगर आपका नॉन कॉजल सिस्टम तो, और ये सिस्टम कॉजल सिस्टम, तो आप मुझे बताइए क्या ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये, क्या ये कॉजल हो सकता है या नहीं? जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ये सारे केसेस में करवाऊंगा, क्या ये कॉजल हो सकता है या नहीं बोलो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये सिस्टम आपका नॉन कॉजल है, ये नॉन कॉजल है, और बाय द वे वो कॉजल हो गया, तो क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है जहां पे ये ओवरऑल सिस्टम कॉजल हो जाए या नहीं? सब समझ में आ जाएगा यार, है ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, प्रोवाइडेड आप अपने एंड से एफर्ट डालते रहो। मैं तो ज़्यादातर चीज़ें आप ही लोगों से करवाता हूँ, मैं तो क्लास में कुछ करता भी नहीं हूँ। अगर आप नोटिस करो तो जस्ट मैं आपको आपके अप्रोच डेवलप करने पे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, सवाल आप ज़्यादातर टाइम खुद ही लगाते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन के आंसर आप खुद हमें बताते हो, बट सिर्फ मैं अप्रोच पे आपके काम कर लेता हूँ। मैं बोल रहा हूँ क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये कॉजल सिग्नल हो सकते हैं, शायद पॉसिबिलिटी बन सकती है। कैसे? देखो अब आपको ये तो पता है ना कि इसका ये LTI सिस्टम है, तो अगर ये सिस्टम नॉन कॉजल है तो H1T एक नॉन कॉजल सिग्नल होगा, ध्यान से सुनना। H2T अगर एक नॉन कॉजल सिस्टम है तो H2T आपका क्या होगा, एक नॉन कॉजल सिग्नल हो जाएगा। वैसे ही ये सिस्टम अगर आपका एक कॉजल सिस्टम है तो H3 एक कॉजल सिग्नल होना चाहिए। यानी ग्राफिकली अगर मैं देखता H1T को, मान लो H1T आपका कुछ ऐसे लाई कर रहा है -1 से 2 के बीच में, H2T आपका लाई कर रहा है -2 से 4 के बीच में, दिख रहा है सभी को, है ना? तो देखो ना, H1T नॉन कॉजल सिग्नल हुआ तो करेस्पॉन्डिंग सिस्टम नॉन कॉजल हो गया, H2T नॉन कॉजल सिग्नल हुआ तो करेस्पॉन्डिंग सिस्टम नॉन कॉजल हो गया। अब ये जो कॉजल वाला है, अगर इस कॉजल को मैं ऐसा मानूं 100 से लेके 200, तो देखो जो रिजल्टेंट सिग्नल आएगा क्या उसमें ये तीनों का कॉन्वोल्यूशन होगा या नहीं, बोलो बोलो भाई। तो जो रिजल्टेंट आएगा क्या उस रिजल्टेंट पे ये तीनों आपस में कन्वॉल्व ही तो होंगे? यस, और अगर ये तीनों आपस में कन्वॉल्व हो गए तो आप मुझे बताओ लोअर लिमिट क्या होगी, ऐड होगी -1 -2 3, और 100 में अगर आपने ऐड कर दिया तो 97। अपर लिमिट क्या होगी, ऐड होगी, आपने ऐड कर दिया तो 206। बताओ क्या पूरा का पूरा सिस्टम कॉजल आ गया या नहीं? आ गया। ठीक है, तो मैं आपसे
जस्ट ऐसे ही पूछ रहा था कि अगर मान लो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिस्टम्स इन कैस्केड है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम भी अगर कॉजल हुआ तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ओवरऑल सिस्टम कॉजल हो जाए? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ हमेशा होगा, मैं बोल रहा हूँ इज इट पॉसिबल टू मेक द कंप्लीट सिस्टम कॉजल और नॉट? तो आप बोल सकते हो बिल्कुल पॉसिबल है, हमेशा होगा या नहीं वो तो नहीं बता सकते, बट अगर हमें मौका दिया जाए तो हम उसको ज़रूर कॉजल बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको आगे करवाने वाला हूँ। जैसे आपने दो सिस्टम्स को कैस्केड कर दिया, एक लीनियर है दूसरा नॉन लीनियर है, तो इफेक्टिव रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? आपने दो सिस्टम्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, एक आपका कॉजल है दूसरा नॉन कॉजल है, तो क्या रिजल्टेंट मिलेगा? तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करना जरूरी। तो मैंने एक छोटा सा आपको हिंट भी दे दिया, बाकी सारी चीज़ें हम लोग बाकी सारा देखेंगे हम लोग अपकमिंग सेशंस में। ठीक है, तो इसको हटा रहा हूँ, जस्ट ऐसे ही मैंने आपसे पूछा इसको। ओके चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, LTI सिस्टम्स इन पैरेलल। तो उसको नोट मत करो, है ना, उसको नोट मत करो, वो मैं करवाऊंगा अच्छी तरीके से। ऐसे ही मैंने आपसे पूछी LTI सिस्टम्स इन पैरेलल। तो LTI सिस्टम्स इन पैरेलल, देखो इसमें भी कोई खास बात नहीं है, ये भी आप जाने अनजाने में कर ही चुके हो। ये मैंने दो सिस्टम्स ले लिए, पैरेलल का मतलब क्या होता है? दोनों का इनपुट कॉमन, दोनों का समर कॉमन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो शुड बी सेम। ठीक है, तीनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। ये देखिए इनपुट दोनों का कॉमन, यहाँ पे दोनों का समर कॉमन, समर या डिफरेंस दो भी दोनों ले सकते हो आप, आपका मन है तो आप ऐड करो, आपका मन है तो आप सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसे पता चलता है? यहाँ से x ऑफ t से लेके y ऑफ t तक का रास्ता बिल्कुल सेम होना चाहिए, ये भी फॉरवर्ड ये भी फॉरवर्ड, है ना, कोई भी फीडबैक नहीं होना चाहिए। तो इनपुट सेम, डायरेक्शन ऑफ फ्लो सेम, समर दोनों का सेम होना चाहिए, ये आपको मिला आउटपुट y t। ठीक है, तो y t देखो आप यहाँ पे क्या लिख पा रहे हो, xt कॉन्वोल्यूशन, इसका आउटपुट कितना मिल जाएगा? h1t। नीचे वाले का आउटपुट कितना मिल जाएगा? xt कॉन्वोल्यूशन h2t। लिख देते हैं इसको, तो ये आपको मिला xt कॉन्वोल्यूशन h2t। अब xt को यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर तो होता ही। तो जैसे ही आप यहाँ पे xt को कॉमन लोगे, ये आपको मिला कॉन्वोल्यूशन h1t प्लस h2t। बस अब इस h1t प्लस h2t को आप क्या कर सकते थे, एक सिंगल सिस्टम से रिप्रेजेंट कर देते। तो ये जो इतना बड़ा सा ब्लॉक दिख रहा है, आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप इस पूरे के पूरे पैरेलल सिस्टम को एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट करो। बट ये सिंगल ब्लॉक का जो यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स आ रहा होगा वो कितना आना चाहिए यार? दिस शुड कम आउट टू बी h1t प्लस h2t। साइन देख लेना, हमेशा प्लस होगा ऐसा ज़रूरी नहीं, माइनस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है, दोनों प्लस हो सकते हैं। ठीक है, तो पैरेलल का मतलब यही होता है कि अगर आपके दो LTI सिस्टम्स पैरेलल में आपको कनेक्टेड दिख रहे हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे LTI सिस्टम को रिप्लेस करके एक सिंगल ब्लॉक बना सकते हो, और एक सिंगल ब्लॉक के LTI सिस्टम का यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स इफेक्टिवली h1t प्लस h2t कर सकते हो। ओके ठीक है, नहीं एक से ज़्यादा भी कॉजल हो जाए, वो मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, जस्ट एक क्वेश्चन दिया था कि अगर आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉजल सिस्टम्स हैं और अगर उसमें से एटलीस्ट एक भी कॉजल हुआ, तो क्या वो पूरे के पूरे सिस्टम को कॉजल बना सकता है या नहीं? बना सकता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमेशा होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, ओके, कैस्केड को यार सीरीज बोलते हैं ना, कैस्केड कॉम्बिनेशन को ही कभी कभी सीरीज, बट कैस्केड और सीरीज डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कैस्केड और सीरीज काफी डिफरेंट होते हैं, तो ये थोड़ा सा आप केयरफुल रहना। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और आपको करवा देता हूँ, उस क्वेश्चन का आप आंसर सही से ही निकाल के बताना। इसका आंसर यार सही से निकालना सभी लोग।
चलो ये कनेक्शन दे रखे हैं, इन कनेक्शंस के मैं वैल्यूज लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। ये एरोज वगैरह बनाना हो बना लो आप लोग, साइन देख लेता हूँ प्लस है या माइनस। तो यहाँ पे तो प्लस ही हो रहा है, यहाँ पे एक सिग्नल प्लस, नीचे वाला माइनस, ये आपको दे रखा है वाई। यहाँ पे आपको इनपुट अप्लाई कर रखा है एक्स इन, और ये एच वन एच टू एच थ्री एच फोर, एच वन एन एच टू एन एच थ्री एन एच फोर एन। पहले आप ये बना लो, फिर मैं इनकी वैल्यूज भी आपको देता हूँ, ठीक है? बनाओ फटाफट। देखो मैं बार बार वही आपको बता रहा हूँ, कल वाले सेशन का ऑब्जेक्टिव भी वही था यार, कि आप लोग यही समझो कि हर कोई आपकी तरह ही ना स्टूडेंट ही थे, जिन्होंने बस थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा किया बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो आप भी अगर हार नहीं मानोगे ना, लगे रहोगे लास्ट तक, तो लास्ट तक तो सब कुछ अच्छा हो ही जाता है ना, बस गिव अप नहीं करना है। गिव अप करने का ये मतलब नहीं आराम कर रहे हो सुबह से शाम तक, एफर्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कोई ये ना बोल सके आपको आके कि यार तुमने एफर्ट नहीं डाला। डेल ऑफ एन माइनस टू ये आपको मेंशन कर रखा है, और एच फोर एन दे रखा है, अल्फा टू द पावर एन यू है। देखो ये डेटा दे रखा है वाई एन, आप मुझे निकाल के बताइए। चलो इधर साइड में मैं खड़ा हो जाता हूँ, वाई एन निकालो फटाफट, आंसर बताओ। और कल से टाइम क्या रखना है यार, टाइम भी तो बताओ। दस ग्यारह बारह यार, कोई सिग्नल सिस्टम का गॉड नहीं होता भाई, गॉड हम लोग नहीं है। मैं पहली बार कितनी बार आपको बता चुका हूँ कि हम लोग नॉर्मल इंसान है जो किताब से पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं ना। सिग्नल सिस्टम का गॉड वो है ना जिसने वो इन्वेंट किया होगा, जैसे इन ओपेनहेम हो गए जिन्होंने उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च करी, बी पी लाठी हो गए, ये सब लोग गॉड लोग होते हैं। हम लोग तो क्या है, किताब से पढ़ रहे हैं, आपको आके पढ़ा दे रहे हैं, उसमें कोई हमारा एज सच इनोवेशन थोड़ी है। चलो निकालो फटाफट आंसर निकालो। यार 200 लाइक तो पहुंचाई दो, एटलीस्ट 150 तो पहुंचाई दो यार, 147 पे लाके रोक रखा तुमने। चलो देखते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, जो पूरा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम दिख रहा है ना, इसको क्यों ना एक सिंपल सिस्टम में हम लोग रिप्रेजेंट कर देना। इतना बड़ा सा पूरा का पूरा ब्लॉक दिख रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो ये तो आपको समझ आ रहा है ना कि एच वन प्लस एच टू एन को ऐड करना पड़ेगा, फिर इससे कॉन्वोल्यूशन लेंगे, फिर इससे सबट्रैक्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आप नोटिस करने की कोशिश करें, अगर आप यहाँ पे नोटिस करने की कोशिश करें, तो जो ओवरऑल एच एन आपको दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। एक्स एन वाई एन, कोई पूछ रहा है क्या मिलेगा इतनी मेहनत करके, तो मत करो ना भाई, जिस चीज़ में मिलेगा वहाँ पे कर लो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करोगे ना, घर पे तो नहीं बैठे रहोगे, कोई ना कोई काम तो लाइफ में करोगे ही करोगे। तो जहाँ पे लगता है कि कुछ मिलेगा वहाँ पे मेहनत कर लो, कहीं तो करो। वहाँ जाओगे वहाँ पे भी यही सवाल पूछोगे कि एसएससी में मेहनत करके क्या मिलेगा, यूपीएससी में मेहनत करके क्या मिलेगा, यही पूछते रहोगे या मेहनत करोगे भी। तो सिर्फ पूछने से कुछ नहीं होगा ना, मेहनत अगर तुम कर रहे होते ना तो ये सवाल कभी पूछते ही नहीं। चलो तो मेहनत करो, है ना, सवाल मत पूछो। चलो अब आते हैं इसको देखते हैं, ज़रा देखिए यहाँ पे अगर आप इसको और इसको ऐड कर दोगे तो क्या आपको यहाँ पे यू एन प्लस टू मिल रहा है। मेहनत करो भाई, सिर्फ पूछने से कुछ नहीं होता है। करके देखो क्या पता मिल ही जाए। एस थ्री एन आप करोगे डेल ऑफ एन माइनस टू,
ये देखो ठीक कर रहा हूँ ना मैं, चेक करते रहना। माइनस एच फोर एन था आपका अल्फा टू दी पावर एन यू एन, तो इन दोनों को आप कन्वॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा यू एन माइनस अल्फा टू दी पावर एन यू एन, या फिर आपको मिलना चाहिए वन माइनस अल्फा टू दी पावर एन, ठीक है। ये था आपका एच एन, बोलिए। चलो यू एन कॉमन आ जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा वन माइनस अल्फा टू द पावर एन, ठीक है। चलो फिर आज का सेशन यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। एक सेशन शायद हमको कल और लगना चाहिए जिसमें मैं आपको पैरेलल सीरीज कैस्केड कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स बताऊंगा। मे बी फिर डे आफ्टर टुमारो हम लोग फूरियर सीरीज स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो दो तारीख से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फूरियर सीरीज हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। एक टॉपिक छोटा सा रह जाता है, मुझे लग रहा था आज ही कंप्लीट हो जाएगा, बट आज क्योंकि टाइम अपना खत्म हो गया। अब एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे टाइम का पूछना था, तो टाइम का बताओ, सुबह 10 बजे ही आप लोग कंफर्टेबल हो? तीन स्लॉट्स अपने पास हैं, 10, 11, 12, तो टाइम का एक बार आप लोग बता दो कि कौन सा स्लॉट आपके लिए कंफर्टेबल है। टाइमिंग ही तो मैं पूछ रहा हूँ। सिस्टम हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, आज आप जाके सारे पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो। It's time to experience something glorious. An Academy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. An Academy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. An Academy Combat. Register now.